राखी सावंत बॉयफ्रेंड आदिल खान के साथ पहुंची अंधेरी। मीडिया से बातें करते वक्त राखी ने शर्लिन चोपड़ा को काफ़ी कुछ कहा और शर्लिन चोपड़ा को चिढ़ाया भी। शर्लिन ने हाल ही में बिग बॉस कंटेस्टेंट साजिद खान के ऊपर कई सारे आरोप लगाए। राखी ने उन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि शर्लिन कभी भी नींद में से उठती है और किसी के ऊपर भी आरोप लगा देती है। राखी ने शर्लिन की एक्टिंग करके उनको और भी चिढ़ाया। आइए देखते हैं राखी ने उनके बारे में और क्या क्या कहा। well, साजिद खान के ऊपर भी शर्लिन चोपड़ा बहुत सारे एलिगेशंस लगा रही है। पुलिस स्टेशन में मुझे किसी ने नहीं पूछा, मेरा कोई केस नहीं ले रहा। साजिद खान बहुत कसूरवार है लेकिन एक भी पुलिस वाला केस नहीं ले रहा। क्यों लेगा जब वो कसूरवार ही नहीं है, जब उसने कोई उसके खिलाफ कोई आया ही नहीं पुलिस स्टेशन में, उसके खिलाफ किसी ने गवाही नहीं दी, कोर्ट ने उसको सजाए फांसी या काला पानी की साजिद खान को सजा ही नहीं दी, तुम मेकअप 4 किलो का लगा के साड़ी पहन के मीडिया के सामने जाके दूसरों पे दोष लगाते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? चिल्लू भर पानी में डूब के मर नहीं जाते तुम? किसी पे दोष लगाने से पहले 10 बार सोचो। ये मीडिया है, दूध का दूध पानी की पानी कर देगी। अब पुलिस को भी पता चला कि केस में दम ही नहीं है। ये मैडम रोज उठे नींद से उठ के आके कंप्लेंट करती है, कभी मेरे भाई राज कुंद्रा के लिए, कभी मेरे भाई साजिद खान के लिए। क्या है इसको प्रॉब्लम? आप बताओ क्या प्रॉब्लम है इसकी? अभी थोड़ा हम 6 महीने रुको, अभी किसी और रेप का केस लेकर आएगी। अरे बहन तुम तो अभी साड़ी पहनना अभी सीखी हो ना, तुम्हारा देखो तो सही, तुमने क्या क्या पहनकर प्लेट में खुद लेकर गई हो कि खाओ मुझे? ये गलत बात है ना, पहले खुद तो सुधरो फिर दूसरों को सुधारने पे चलो। देखो इन लड़कियों की वजह से ना किसी के साथ सचमुच भी हो जाएगा ना तो दुनिया यकीन नहीं करेगी। ये बहुत गलत बात है। मुझे बहुत उसको रोना इस बात इसलिए नहीं आया, उसको ऐसा लगा आया जो लड़की आप कह रहे हो जिसका नाम ले रहा है, मुझे तो नाम भी नहीं लेना है। ये हर 6 महीने में जागती है, किसी पर रेप का केस लगाती है, यह गलत है। साजिद खान एक अच्छे एक्टर है, एक अच्छी बहन फराह खान के भाई है, इस देश के नागरिक है। सिर्फ इस दुनिया में साजिद खान नहीं जिसके हाथों से कभी कोई गलत काम हुआ होगा, बहुत सारे लोग हैं, वो तो खुले घूम रहे हैं। तुम लोग साजिद खान के पीछे इसलिए पड़े हो क्योंकि वो सुपरस्टार बन गया अभी बिग बॉस में। ऐसे ही होता है, बहती गंगा में सब हाथ धोते हैं ना लेते हैं। अब तक साजिद खान बिग बॉस में नहीं गया था तो सब चुपचाप बैठे थे, ये गलत बात है ना भाई। अन्याय के खिलाफ कोई खड़ा हो या ना हो, राखी सावंत हमेशा रहती है खड़ी, और खड़ी खड़ी ऐसी कोई भी लड़कियाँ आए, ये तो टुच्छियाँ हैं, सब टुच्छियाँ। इन्होंने क्या किया, इनका बैकग्राउंड देखो यूट्यूब में जाके, कैसे गंदे गंदे कपड़े, बगैर कपड़ों के इन लोगों ने क्या क्या किया है, गलत बात है। मुझे तो किसी के लिए बोलना ही नहीं है, मैं खुद डर जा रहा हूं राखी का रूप देख। हाँ रूप देखो मेरा। हाँ क्योंकि मुझे अन्याय है ना, जी और जीने दो, देखो जी और जीने दो। कोई इंसान स्टार बन रहा है, आपस बॉलीवुड में काम कर रहा है, काम करने दो उसे, यू नो। आपका करियर नहीं बन रहा तो आप रो रही हो, आपको पुलिस स्टेशन में केस नहीं है बन रहा तो आप रो रही हो मीडिया में आके चिक चिक के, और मेरे सलमान भाई का नाम ले रही है। सलमान भाई का हाथ है इसके ऊपर, सलमान भाई का हाथ है इसके ऊपर। तेरे सड़े हुए मुंह से सलमान खान का नाम भी मत ले, समझे ना। मेरे को मिले ना ऐसा फोड़ के तो छोड़ो, ऐसा उल्टा लटका दूंगी ये नींबू के पेड़ पे। हाँ हो गया क्या देखे मीडिया देखे। अभी तो इंडिया पाकिस्तान का मैच है ना, वो तो बहुत धमाकेदार है, वो तो एक बैटल है, वो तो एक गेम है, उसमें तो देखने का मजा आता है ना। लेकिन दुबई में हिंदुस्तान पाकिस्तान वाले मिलके रहते हैं, कभी हिंदुस्तानी को तकलीफ हुई ना उधर पहले इंडिया से कोई नहीं भागता है, दुबई में पाकिस्तानी पहले भाग के जाता है और उसको पानी पिलाता है और उसको तकलीफ को यू नो समझता है। थैंक यू। तू क्यों क्या दहेज में आया, तू क्यों अकेले ले रहे हैं?
नो 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 लो 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 कैसे से वन मोर परोल अरे एक बार वैसा उड़ी मारो ना उड़ जा टाइगर शॉप जैसा वंस मोर वंस मोर क्या करता है राखी जी वो अब्दुल आ गया घर से बाहर नहीं हाँ कल ही की न्यूज है नहीं अब्दुल नहीं आया नहीं आया आपस क्या बीमार हो गया मारो इसको मारो पता नहीं क्यों चांद पे गई थी ना दिवाली मनाने मैं चांद पे गई थी तुझे मालूम नहीं टॉम क्रूज के साथ उधर हॉलीवुड की फिल्म चल रही है ना मेरी बहुत अच्छा रोल कर रही हूँ टॉम क्रूज के साथ मालूम है कि नहीं मैं नीचे था मुझे पता नहीं ऐसे लोगों को चांद पे क्या मंगल ग्रह भी ना बुलाए मैं तो हर ग्रह पे हर प्लैनेट पे घूमती रहती हूँ चलो जाओ बाय क्या एंट्री थी उसके अंदर से पर्स हेलो एवरीवन हेलो आदिल भाई अरे क्यों हिल रहा है भाई आदिल भाई क्या हालचाल राखी जी राय बढ़िया राखी जी आप पीछे आओ हाँ पीछे कल मैं इधर ही शूटिंग कर रही हूँ मेरा गाना क्या बात पीछे 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 यार मोबाइल कैमरा लो यार मैं बोला भाई राखी जी ने पहले नहीं राखी जी ने पहले ना ऐसे शूज पहने यहां पे नाम यहां पे शूट के कल शूट के शूज है ये बहुत बढ़िया एकदम चमक रहे हैं आपके हां तो इससे पे डांस कर आदिल भाई मोटे हो गए यहां पे मोटा हो गया अब तुम मोटे हो या छोटे हो या सूखे हो या गीले हो मेरे ही कोई फर्क नहीं पड़ता ना और क्या चलिए श्रद्धा रुको रुको यार कितने देर से आप लोग फोटोज ले रहे हो अच्छा रुको थोड़ा सा ले लेते चलो एकेडमी खोल दिया दुबई में बहुत बढ़िया रुको देखना बोल रहे रुक नहीं दिख रहा है 21st को ओपनिंग है ना अपॉर्चुनिटी हां मतलब अभी जगह हो गया सब ले ली बहुत जद्दोजहद लगी दुबई में इतना आसानी से आप प्रॉपर्टी नहीं ले सकते क्या बात है बट हमको मेरे तकदीर अच्छी थी कि मुझे अच्छे लोग मिल गए दुबई में बिल्कुल और मेरे पार्टनर्स दो पार्टनर्स मेरे एक पार्टनर का नाम है आफ्ताब भाई एक है देविका तो वो मेरे वहाँ पे एकेडमी में उन्होंने खोल दिया मेरा हैंडल तो सब आगे ही कर रहे हैं चलो क्या बात है एक मिनट रुको बस गए कोई आगे मत चलो पीछे वाले तो नहीं इसका आगे काट डालो अरे छोटू को और छोटा कर दोगे छोटू एक बात गलत है तेरे पे आक्रमण किया है अच्छा उसको मोटू बुला रहा है राखी जी दिवाली में तो आपको बहुत मिस किया सबसे पहले हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली हाँ मैंने सोचा सब लोग हॉलीविन बन के पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे थे आजकल को नया बेचारे जब से कोरोना खत्म हुआ है सब लोग इंतजार कर रखे किसके घर में पार्टी हो और नए नए घाघरा चोली शोरूम में से ले के पहन के जाए वैसे उनको इतना शौक है किसी की पार्टी से कोई लेना देना नहीं है बस मीडिया में दिख जाए लेकिन कबूल करने को तैयार नहीं है ये सेलिब्रिटीज देखो राखी जी दुबई में आप हम तो सीधा बोलते हैं हाँ भाई हम तो तैयार हो के आए हे हेलो मीडिया चलो हमको दिखाओ पब्लिक तक पहुँचाओ यू नो राखी जी दुबई में आप डांस एकेडमी खोल रहे हो उसमें एक्टिंग भी सिखाया जाएगा कराटे भी सिखाए जाएंगे क्या कुछ कहना चाहोगे उसके बारे में कौन सी जगह है हमारी जगह दुबई में नाम क्या है जगह का शेख जायद नहीं शेख जायद नहीं शेख जायदी नहीं जल्दी से नाम बताओ शेख जायदी वो लोग उधर पहुंच जाएंगे आप गलत बोल रहे हैं शेख जायद रोड पे क्या एक अच्छी जगह है वहाँ पे जितने इंडियंस है वहाँ पे क्या नाम है थोड़ा सा बताओ वो ऑफिस है अलकरामा में अलकरामा में शेख जायद रोड पे सारे इंडियन भरे हुए आप सोच सकते हो कि मुझे दिवाली मिस ही नहीं की मैंने क्योंकि दुबई में
इतने इंडियंस हैं, सब ने बाहर दुबई में सब इंडियंस लोगों ने अपना घर सजाया था, इतने पटाखे छोड़ रहे थे, क्या आप बिलीव कर सकते हो? दुबई में वाव है, बड़े बड़े पटाखे, सुरसुरी बॉम, लक्ष्मी बॉम, रावण बॉम, सारे बॉम छोड़ रहे थे दुबई में सब लोग। रियली बहुत मजा आया। वो सब छोड़ो, मेरे बाल कटवा के आई दुबई में। बहुत अच्छा लुक लग रहा है आपका। ये इनका चॉइस है, कहते बाल कटवा दे तू और छोटी दिखेगी, तो एक काम कर तू टकलाई करवा देती हूँ तो और छोटी दिखूंगी मैं। चौंकी आप क्या कुछ कहना चाहोगे अपने डांस एकेडमी के बारे में? देखो एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, हमारे पास 6 months का डिप्लोमा होगा, यही कहेंगे आओ हमारे पास सीखो, कुछ बनो, स्टार्स बनाएंगे हम आप लोगों को। गल्फ कंट्री में जितने भी इंडियंस, पाकिस्तानी सब लोग हैं, देखिए पाकिस्तान से यहीं पे लोगों को प्रॉब्लम है, वहाँ पे सब लोग मिलजुल के रहते हैं, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी। एक सलून गए थे जहाँ राखी का बाल काट रहे, ये बाल काटा मेरा, वो बोल रहे थे ओनर कौन है, ओनर बोल रहा है एक पैजामा में है एक इंडियन ड्रेस में है, तो बोल रहे हैं हम दो पार्टनर हैं, एक इंडियन एक पाकिस्तानी। सोचो वहाँ पे सब मिलजुल के रहते हैं, कितनी अच्छी बात है, पाकिस्तानी हिंदुस्तानी सब दुबई में मिलके रहते हैं, तो वहाँ पे पाकिस्तानी हिंदुस्तानी सब लोग आओ, डांस सीखो, जुम्बा सीखो, योगा सीखो, एकेडमी में इंडियन एक्टिंग सीखो, मिलके रहते हैं उधर, अब राखी पहुंच गई है। सोचो साथी आज आप डांस स्टूडियो पे स्पॉट हुई है तो क्या कुछ अमेजिंग देखने वाले हैं, सभी लोग कुछ बताना चाहेंगे? एक्चुअली मुझे बोलना अलाउड नहीं है, बट अभी तो मैं सब प्रैक्टिस करने आई हूँ और कल यहाँ मेरा शूट है, आना जरूर आप लोग, क्योंकि बिग बॉस का घर वाकई, जब राखी नहीं हो तो एंटरटेनमेंट हो ही नहीं पाता है, चाहे कोई भी आ जाए। अरे करने दो इन लोगों को, बगैर एंटरटेनमेंट के रहने दो पब्लिक को, इनको मालूम पड़े कि राखी रहती है तो क्या कभी चुड़ैल बनती, कभी भूत बनती, कितना एंटरटेन करती है। लास्ट ईयर हैलोवीन में शैतान बनी थी क्या? स्पाइडरमैन आल्सो, कभी स्पाइडरमैन बनती क्या? अलग अलग, इनको मालूम होना चाहिए पब्लिक को, और बाद में बोलते क्या हर साल क्या राखी को बुलाते हो, तो अब रहो बगैर एंटरटेनमेंट के, क्यों अंदर कोई एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा, सब अपना हाई सोसाइटी लुक्स करके बैठे हुए। अगर आपको हाई सोसाइटी लुक्स करके बैठना था तो आपको बिग बॉस में जाना ही नहीं था, आप बाहर ही रहते, हर पार्टियों में अलग अलग लुक्स करके आके साइज जीरो और हड्डियों का ढांचा बन के आते और आप हाई सोसाइटी बन के बैठते। आप एक रियलिटी शो में हैं, रियलिटी शो का मतलब है पूरी दुनिया को, देश की जनता को एंटरटेन करना, जो कि मैंने किया है। आज आधी रात को भी मेरे को बिग बॉस में डाल देना, मैं ऐसा ऐसा करूँगी, ऐसा ऐसा करूँगी ना, वो शालीन का दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा सबका। शालीन की दुश्मन हो गया तू? अरे दोस्त है मेरा टीना, ये सब दोस्त है लेकिन अंदर जाके मुरझा गए। ये लोग स्टार्टिंग में तो चले जाते हैं सलमान खान को स्टार्ट में, हम ये करेंगे हम वो करेंगे, जब तक बिग बॉस में कोई अंदर नहीं जाता ना, बाहर एकदम ताज़ा ताज़ा रहता है, बाहर अंदर जाके मुर्दा बन ही जाता है, तो इन मुर्दों को जिंदा करने के लिए हमको भेजते हैं। मैं गधे का इंजेक्शन हूँ जीता जागता।